हम इसको प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था, अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता, उनका दिन बढ़िया था, वो जीते हैं। ये बिल्कुल दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जैवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेशर में दिख रहे थे, फाउल भी हुए, लेकिन इस बार कंपटीशन काफी हार्ड लगा। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे, और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आवी रही है। कहीं लगता है आपको इस बार दबाव था नीरज के ऊपर, जो आप मतलब इसमें गोल्ड से चूके? नहीं जी, कोई दबाव नहीं था, अपनी मर्जी खेल रहे थे बच्चे। तो कितना खुश, सिल्वर मेडल आया? बड़े खुश हैं जी, हम बड़े खुश हैं जमा। इतिहास में पहली बार आया कि किसी ने ओलंपिक में लगातार दो मेडल जीते हैं एक ही खिलाड़ी, तो क्या कहते हैं? हम तो बहुत खुश हैं, उन्हें जीत लिया भी हमारे ताकत था, उन्हें जीत लिया भी हमारे ताकत था, हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करते जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। आज हम कहेंगे आज नीरज का दिन नहीं था इसकी के। वह तो जी हम पहले ही बोल रहे थे, लेकिन खिलाड़ी का दिन होता है बच्चे का। पहली बार उसने थरो अच्छी कर दी थी और रह गया था, आज उसने कर दी तो बच्चे का दिन होता है जी। बड़े भावुक हो रहे हैं, कारण क्या है? चलो ये तो बच्चे की नहीं, चलो वो भी मेहनत कर रहा था, और भी सारे मेहनत करके उन्हें देखो बेचारे में, कहते हैं ओलंपिक में एक भी नहीं मेडल ले पा रहे, उनका भी बड़ा दुख है, मेहनत कर कमा भी जा रहे थे। सिल्वर मेडल आया, कितने खुश हो आप? नहीं जान, तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बन लग रहा, गोल्ड उसका गया भी मारे लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो दिनों हुआ है बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात नहीं, ना खुश हैं जमा, पूरे खुश हैं। पिछली बार आया था तो उनका फेवरेट खाना बनाया था? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी फेवरेट जरूर बनाएंगे। हम इसको प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था, अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता, उनका दिन बढ़िया था, वो जीते हैं। पहले एथलीट है नीरज जो दो मेडल जीते हैं लगातार बैक टू बैक, किस तरह से देख रहे हैं इस ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल है? ये बिल्कुल दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जैवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेशर में दिख रहे थे, फाउल भी हुए, लेकिन इस बार कंपटीशन काफी हार्ड लगा। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे, और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आवी रही है। कहीं लगता है आपको इस बार दबाव था नीरज के ऊपर, जो आप मतलब इसमें गोल्ड से चूके? नहीं जी, कोई दबाव नहीं था, अपनी मर्जी खेल रहे थे बच्चे। तो कितना खुश, सिल्वर मेडल आया? बड़े खुश हैं जी, हम बड़े खुश हैं जमा। इतिहास में पहली बार आया कि किसी ने ओलंपिक में लगातार दो मेडल जीते हैं एक ही खिलाड़ी, तो क्या कहते हैं? हम तो बहुत खुश हैं, उन्हें जीत लिया भी हमारे ताकत था, उन्हें जीत लिया भी हमारे ताकत था, हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करते जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। आज हम कहेंगे आज नीरज का दिन नहीं था इसकी के। वह तो जी हम पहले ही बोल रहे थे, लेकिन खिलाड़ी का दिन होता है बच्चे का। पहली बार उसने थरो अच्छी कर दी थी और रह गया था, आज उसने कर दी तो बच्चे का दिन होता है जी। बड़े भावुक हो रहे हैं, कारण क्या है? चलो ये तो बच्चे की नहीं, चलो वो भी मेहनत कर रहा था, और भी सारे मेहनत करके उन्हें देखो बेचारे में, कहते हैं ओलंपिक में एक भी नहीं मेडल ले पा रहे, उनका भी बड़ा दुख है, मेहनत कर कमा भी जा रहे। सिल्वर मेडल आया, कितने खुश हो आप? नहीं जान, तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बन लग रहा, गोल्ड उसका गया भी मारे लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो दिनों हुआ है बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात नहीं, ना खुश हैं जमा, पूरे खुश हैं। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी फेवरेट जरूर बनाएंगे।